लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे डोपिंग मामले में फंसे यूसुफ पठान पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया है। यूसुफ पठान पिछले साल हुए डोप टेस्ट में फेल हो गए थे और बीसीसीआई ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। लेकिन इस निलंबन के बावजूद यूसुफ पठान की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई है। दरअसल यूसुफ को ये डर सता रही थी कि क्या उनका नाम महीने के आखिर में आईपीएल के लिए होने वाली नीलामी में रखा जाएगा या नहीं। तो आपको बता दें, यूसुफ पठान का नाम अब इस महीने के आखिर में आईपीएल के लिए होने वाली नीलामी में शामिल किया जाएगा। बता दें कि यूसुफ पठान ने पिछले घरेलू सत्र में बड़ौदा रणजी टीम के लिए केवल एक ही मैच खेला था। दरअसल यूसुफ ने ब्रोजिट नाम की दवा का सेवन किया था। इस दवा में प्रतिबंधित पदार्थ का इस्तेमाल होता है। किसी भी खिलाड़ी को ये दवा लेने के लिए पहले से ही अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन ना तो पठान और ना ही बड़ौदा टीम के डॉक्टर ने ऐसा किया। मसलन नतीजा ये रहा कि यूसुफ डोप टेस्ट में पकड़े गए। डोप टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आते ही बीसीसीआई ने बड़ौदा एसोसिएशन को जारी सत्र के बाकी मैचों के लिए यूसुफ को टीम में न चुनने का फरमान जारी कर दिया था। अक्टूबर 2017 से यूसुफ पठान ने बड़ौदा के लिए एक ही मैच खेला है। यूसुफ के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या यूसुफ को साल 2012 में आईपीएल में डेयर डेविल्स के खिलाड़ी प्रदीप सांगवान की तरह 18 महीने का प्रतिबंध तो नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि यूसुफ को केवल 5 महीने का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा और यूसुफ पठान आईपीएल 2018 में खेल सकेंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।